हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम क्लीन और आज की वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का इहाता करेंगे, यानी कि हम आज फ्यूचर टेंस का रिव्यू करेंगे कि फ्यूचर टेंस को हम किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यूचर टेंस का रिव्यू करते वक्त हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करके इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसका जो खुसूसन इस्तेमाल है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इसको एक तो बोलते वक्त इस्तेमाल में लाते हैं और दूसरे हिस्से में हम इसका इस्तेमाल खुसूसन इंटेंशंस या फिर प्लान्स के हवाले से जानेंगे। तो पहले हिस्से में जब हम बात करते वक्त फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल में लाते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि किस तरह से हम फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो फर्स्ट यूज़ देखें, मैं यहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल जो है वो समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसको बात करते वक्त यूज़ में लेकर आते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, द सन विल राइज एट 5:10 AM टुमारो। तो यहाँ पर देखें, ये जो एक सेंटेंस है ये एक हकीकत के मुतल्लक हमें बताता है कि सूरज कल 5:10 पर सुबह के वक्त निकलेगा। तो ये एक हकीकत है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ्स हैं उनको हम जब फ्यूचर के अंदर बयान करते हैं तो इसको हम फिर एक द न्यूट्रल फ्यूचर का नाम देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम न्यूट्रल होकर बात करते हैं। तो हम असल में एक जो आलमगीर सच्चाई है उसको बयान करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हकायक को हम असल में पेश कर रहे होते हैं। दूसरा इस्तेमाल देखें, ईसाज ट्रिप विल बी अ बिग रश। ये यहाँ पर देखें एक प्रिडिक्शन है जो कि ईसा के ट्रिप के हवाले से की जा रही है कि ईसा का जो ट्रिप है वो एक बहुत ही बड़ा हुजूम होगा, रश होगा, मतलब ये कि कसरत के साथ इस ट्रिप पर लोग जाएंगे। लोगों से मुराद हम अगर इसको स्टूडेंट के तौर पर लें कि स्टूडेंट ट्रिप है तो फिर हम ये कहेंगे कि तुलबा का उसके अंदर बड़ा ही इंटरेस्ट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा उसमें शिरकत करेंगे और इस तरह से एक रश होगा। तो ये एक प्रिडिक्शन है, तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट करने के लिए भी फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट यूज देखें, अब इसी प्रिडिक्शन को एक और अंदाज में बयान किया जा रहा है जो कि बी गोइंग टू की फॉर्म है, उसके साथ बयान किया जा रहा है। मसलन ईसाज ट्रिप इज गोइंग टू बी अ बिग रश। यहाँ पर फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये बी गोइंग टू की फॉर्म को इस्तेमाल में लाया गया, यहाँ पर हमने विल बी का इस्तेमाल किया था, तो लिहाजा ये भी एक प्रिडिक्शन है। तो इस तरह से ये दो मुख्तलिफ अंदाज हैं प्रिडिक्शन के लिए जो हम फ्यूचर टेंस के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं। आगे देखिए अगली एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बी सिक। यहाँ पर फिर जो है आपने देखा कि ये बी गोइंग टू की फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, मगर यहाँ पर अब ये एक जो प्रिडिक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि ये जो फिक्रा बोला गया है हो सकता है कि उससे पहले ये शख्स जो बोलने वाला है कि आई एम गोइंग टू बी सिक, कि मैं बीमार होने वाला हूँ, उसने अपने अंदर बेचैनी महसूस की, उसने अपने आप को जो है वो ठीक ना पाया, तो तब वो ये फिक्रा अपनी मौजूदा हालत को देखते हुए अदा करता है। तो लिहाजा ये जो सेंटेंस होता है इसकी अदायगी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसकी बुनियाद पर होती है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रिडिक्शन है जो कि लेस सर्टन प्रिडिक्शन है, उसमें देखें आई थिंक इट विल बी हॉट इन UAE। तो यहाँ पर अब आप देखें कि ये जो वर्ड्स है आई थिंक, ये एक फ्रेज है आई थिंक, तो ये इसको एक लेस सर्टन प्रिडिक्शन बना देती है, यानी कि इसमें जब थिंक का ख्याल आया तो इसमें थोड़ी सी कमी आ गई कि हो सकता है कुछ और मौसम हो, मौसम में कुछ और तब्दीली हो जाए, तो लिहाजा इसके साथ लेस सर्टन जो सिचुएशन है वो
वाजे हो जाती है। एक और अंदाज देखें, इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी हॉट इन यूएई, ये भी लेस सर्टन प्रेडिक्शन है। और यहां पर हमने अब ये जो प्रोबेबली है, इट्स प्रोबेबली, ये प्रोबेबली वर्ड लगाकर हमने इस सर्टन जो एक प्रेडिक्शन है उसको लेस बना दिया। प्रोबेबली का वर्ड जो कि गालबन का मतलब देता है उर्दू के अंदर, तो उसके साथ ये जो सर्टन एक प्रेडिक्शन है वो थोड़ी लेस हो जाती है। आगे देखते हैं कि एग्जांपल, ही इज अबाउट टू पिक अप हिज टिकट। अब यहां पर ये बी अबाउट टू फॉर्म जो है इसका इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर अब आप गौर करें, इसको हम वेरी नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहां पर मतलब ये होगा कि वो अपनी टिकट लेने ही वाला है, यानी कि जल्द ही ले लेगा, लेने ही वाला है। इसको हम इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जल्द ही ले लेगा। तो इस तरह से ये फ्यूचर के अंदर ही कंसिडर होता है कि इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं, तो एक और अंदाज जो कि हम फ्यूचर टेंस को बोलते वक्त पेश कर सकते हैं, तो वो उसकी एग्जांपल देखें, शील बी शॉपिंग नॉन स्टॉप फॉर टू डेज। अब यहां पर अब आप देखें, शील बी शॉपिंग, ये असल में अब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका इस्तेमाल है यहां पर, कि वो दो दिन बगैर रुके शॉपिंग कर रही होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर अब एक हमें अ फ्यूचर एक्शन ओवर अ पीरियड वो दिखाई दिया कि फ्यूचर में एक एक खास अरसे तक होने वाला काम जो है उसके मुतल्लक बताया गया कि दो दिन फ्यूचर में लगातार शॉपिंग करती रही होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल, द सेल्स विल हैव फिनिश्ड बाय संडे। तो यहां पर अब आप गौर करें, इस सेंटेंस को हम देखें तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर इंक्लूड करता है, ये फिकरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फिकरा है, क्योंकि यहां पर विल हैव का इस्तेमाल हुआ और साथ पास्ट पार्टिसिपल हमें इस्तेमाल में नजर आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये हमें बताती है समथिंग दैट विल बी ओवर इन द फ्यूचर, कोई ऐसी चीज जो के फ्यूचर के अंदर खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए हम ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि द सेल्स विल हैव फिनिश्ड बाय संडे, के जो सेल है जो फरोख्त है वो इतवार तक खत्म हो चुकी होगी। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इस तरह से ये वो डिफरेंट अंदाज है जो कि हम फ्यूचर टेंस को बोलते वक्त अपना सकते हैं। अब हम फ्यूचर टेंस को रिव्यू करते हुए अब इसके जो इस्तेमालात हैं जो कि इंटेंशंस और प्लान्स के हवाले से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट अब यहाँ पर यूज देखें, इट्स अ लवली कुर्ता, ये कुर्ता एक हमारा अपना लोकल लैंग्वेज का उर्दू का वर्ड है, तो इसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है कि ये एक प्यारा कुर्ता है, यस आई विल बाय इट। तो लिहाजा यहाँ पर आप देखें कि ये एक इंस्टेंट डिसीजन हुआ, क्योंकि कुर्ता पसंद आ गया, प्यारा लगा, तो उसने कहा आई विल बाय इट, मैं इसको खरीद लूंगा। तो लिहाजा ये एक इंस्टेंट डिसीजन है जो कि फौरी डिसीजन किया गया, और ये असल में इंटेंशन के अंदर आ गया, उसका इरादा बन गया और उसने वो फौरी खरीद लिया और फैसला करते हुए उसको परचेज कर लिया। आगे अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आई एम गोइंग टू डू सम शॉपिंग, यहां पर दोबारा से बी गोइंग टू की फॉर्म इस्तेमाल में आई। अब ये एक इंटेंशन जाहिर कर रही है कि मैं कुछ शॉपिंग करने जा रही हूं, या इसको हम जब फ्यूचर का मीनिंग देना है तो हम इस तरह से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मैं कुछ शॉपिंग करूंगी। तो यहां पर घी का इस्तेमाल होगा, तो ये क्लियरली आपको इसका इस्तेमाल फ्यूचर के अंदर वाजे हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, तो एक और एग्जांपल, आई एम फ्लाइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, ये एक अरेंजमेंट है कि मैं
अगले हफ्ते इंग्लैंड जाऊंगा। फ्लाइंग मतलब उड़ रहा हूं, जा रहा हूं। तो यहां पर अब आप देखें कि ये जो आई एम फ्लाइंग है ये असल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है, यानी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम फ्लाइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड जा रहा हूंगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि आखिर पर गा का इस्तेमाल आपको मिलेगा, तो उससे ये पता चलेगा कि ये आपने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। द पी एम इज टू एड्रेस द नेशन टू नाइट, ये एक ऑफिशियल अरेंजमेंट है, यानी कि ये जब सरकारी सतह पर कुछ मामला तय हो तो उस वक्त हम ये जो फॉर्म है B2 फॉर्म से मुराद बी इज एम आर, इसके लिए इस्तेमाल में आएगा, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन के लिए होगा। तो यहां पर ये पीएम स्टैंड फॉर प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर आज रात कौन से खिताब करेंगे। इस टू को यहां पर आप करेंगे के मतलब में लेंगे, कि इसके आखिर पर आप इस तरह से बोलेंगे कि आज रात प्राइम मिनिस्टर कौन से खिताब करेंगे। एक तो ये बेटर अंदाज है इसकी ट्रांसलेशन करने का। दूसरा अंदाज ये भी हो सकता है कि आज रात प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब करने वाले हैं, तो इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, करने वाले हैं या करना है। यानी कि एक और तीसरा अंदाज ये भी हो सकता है कि आज रात प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब करना है। तो यहां पर अब आपको पता चला कि ये जो बी टू फॉर्म है इसको हम ऑफिशियल अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, और जब ये आपने न्यूज रिपोर्टिंग में इसको इस्तेमाल करना हो तो उस वक्त जो न्यूज रिपोर्टर हैं जो हेडलाइंस बनाते हैं तो उस हेडलाइंस के अंदर इवन ये जो बी फॉर्म है यानी कि इज एम आर इसको उड़ा देते हैं। तो वो इस तरह से कहते हैं द पी एम टू एड्रेस द नेशन। तो इस तरह से भी आपको हेडलाइन जो है वो अखबारों के अंदर लिखी हुई नजर आएगी, इसमें इज एम आर यानी कि बी फॉर्म को उड़ा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आई विल बाय दिस एसी, तो यहां पर अब आप देखें अ लेस सर्टेन डिसीजन या इंटेंशन का जिक्र हो रहा है। तो यहां पर फिर वही फ्रेज जो हमने इधर भी डिस्कस की, आई थिंक का जिक्र मिला तो उससे ये लेस सर्टेन डिसीजन हो जाएगा, इसमें फिर जो इम्कान है वो कम हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो इसी से मिलती जुलती एक और एग्जाम्पल है, आई माइट गो टू अ शो। तो यहां पर अब माइट का जो वर्ड है ये जो है दोबारा से लेस सर्टेन डिसीजन या इंटेंशन को शो करता है। तो माइट, थिंक और प्रोबेबली ये वो वर्ड्स हैं जो लेस सर्टेन डिसीजन या इंटेंशन के हवाले से आपको कुछ वाजे करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम इन यूएई फॉर 3 days नेक्स्ट वीक, तो ये एक टाइम टेबल है जो कि अब आपने देखा इज एम आर जो हम इस्तेमाल में लाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स उनकी मदद से बनाया गया ये एक सेंटेंस है, यानी कि ये प्रेजेंट सिचुएशन में है कि मैं अगले हफ्ते 3 दिन तक यूएई में रहूंगा। तो यहां इसकी ट्रांसलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, आई एम इन यूएई फॉर 3 days नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते 3 दिन के लिए यूएई में हूं। यूएई में हूं ये भी एक अंदाज है, या यूएई में रहूंगा। तो ये दोनों अंदाज में आप इसको ट्रांसलेट करते हुए इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जब हम रहूंगा का इस्तेमाल करेंगे तो वो डेफिनेटली हमें फ्यूचर का जो है वो पता देगा, यानी कि हम इसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो ये एक टाइम टेबल है जो कि उसने पहले से तय किया हुआ है। जब आप इस तरह का टाइम टेबल सेट करते हैं तो ये आमतौर पर प्रेजेंट जो सिचुएशन है यानी कि प्रेजेंट टेंस की इज एम आर उसके इस्तेमाल के साथ ये वाजे होती है। आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस देखें, आई विल बी बाइंग सम प्रेजेंट्स टू। तो ये जो सिचुएशन है ये हमें बताती है कि इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स जो कुछ वाक्या होते हैं काम उनके लिए हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे इस टेंस को फ्यूचर को, जो कि इस तरह से होगा
कि मैं आई विल बी बाइंग। यहाँ पर आप दोबारा से देखें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हो रहा है कि मैं खरीद रहा हूंगा सम प्रेजेंट्स, कुछ तहाइफ, टू बी, मैं भी कुछ तहाइफ खरीद रहा हूंगा। तो ये इन द कोर्स ऑफ इवेंट जो है ये वाकया होने वाला एक वाकया है। तो इस तरह से आज हमने फ्यूचर टेंस का रिव्यू किया जिसमें हमने मुख्तलिफ सिचुएशंस को देखा कि किस तरह से हम बोलते वक्त फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं और फिर खुसूसन हम इसका इस्तेमाल इंटेंशंस डिसीजंस के लिए जो करते हैं उसको हमने फोकस करते हुए देखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप याद रखेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।